देखिए जी, हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी है। आप ये बड़ा आजमाया हुआ मेरा टोटका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? हम ठीक है, आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ चने की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी, तो इतनी मज़ेदार है, झटपट तैयार होने वाली है। जो भी खाएगा पकाएगा उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। जब पकाए खाएँ तो मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनी है, खा के एक दफ़ा पका के ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहे, बात रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनाहिल अकरम व्लॉग। जो मेरे चैनल पर नहीं हुए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। आज का व्लॉग हमारा है जी रेसिपी का, तो लेट हो गया कुछ, वो इसलिए कि मेरा दोस्त है, उसकी अम्मी फौत हो गई है, उसके जनाजे पर भी गए थे, तो मैं शहर गया हुआ था, इसलिए भी कुछ लेट हो गया। तो अब सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे उस दोस्त की अम्मी के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश और मगफरत फरमाए। 6:30 बजे उनका जनाजा था, तो इसलिए फिर शाम को वीडियो नहीं बन सकी। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। खाना ऐसे ही, तो फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी है। दोपहर का टाइम हो गया है, तो हम बनाने लगे हैं, खाना बनाने लगे हैं। हमारे प्याज है, प्याज काट रही हुई थी, लहसुन रखा है, इसको भी छील रहे हैं अभी। तो रहिए हमारे साथ साथ, हम आपको साथ। ये देखिए कि हमने प्याज डाल दिए, घी डाल के प्याज डाल दिए। तो इनको प्याज को अच्छी तरह भूनूंगी। बेचके भी बनाने लगे थे, गैस आ नहीं रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो फिर हमने इसलिए इसको चेंज कर दिया है, कुकर में रख लिया। कुकर में जल्दी दाल गल जाएगी, तो गैस चले जाएगी, हमारी दाल नहीं पकेगी। ये हमने देसकी से कुकर में कर लिए, इसको इधर रख दूँगी। चलिए, मसाले हैं, ये टमाटर है, लहसुन और लहसुन मिर्चों का पेस्ट है। ये हमारे मसाले हैं, नमक, मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा। हो गया, हम इसमें डालेंगे मिर्चों का पेस्ट और लहसुन, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इसमें डालेंगे मसाले, मसाले लिखिए, ये जा रहे इसमें मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी और जीरा। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसमें डालेंगे टमाटर। चने की दाल ऐसे बना के देखिएगा, बड़ी मज़े की बनती है। तो बंद करें ये टूटी, टमाटर भी उठा दिए। अब इसमें डालेंगे टमाटर, अच्छी तरह भून के भूनेंगे। दाल हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें दाल डालेंगे। थोड़ी सी भून के फिर पानी डाल देंगे इसमें और दम के लगा देंगे। चले जी, एक बोतल पानी का डाल दी इसमें, पानी डाल दिए। अब इसका हम इसको बंद कर देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, तो हमारी मज़े की दाल बन जाएगी। कचाकच हो जाएगी, बाहर रख दे जी। इधर बना रहे हैं हम रोटी, इधर सालन रख दिए मैंने ऊपर, तो इधर जल्दी मैं रोटी बना लूँ, तो गैस चली जाएगी, आधा घंटा गैस आएगी बस। इसके बाद
खत्म, फिर रात को आएगी 8 बजे। वैसे आती है हमारे, तो हमारे वैसे आती है शाम को 5 बजे, और हमारे लिए रात को 8 बजे आती है, क्योंकि पीछे से ये लोग नहीं आने देते हमारी गैस। फिर हम रोटी बना रहे हैं दोपहर की, साहब आज घर नहीं है, वो सवाल लेके गए हुए हैं कानपुर में, तो आज आप नई वीडियो बनानी है, पता नहीं कब डालते हैं कब नहीं डालते, आएंगे तो डालेंगे। तो उसका फ़ोन है कि वीडियो अपनी बना ले, तो मैं, मेरे पास टाइम नहीं है आज। ये देखिए रोटी टूट गई है, ये देखिए जी हमारी दाल पक्के तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप बनाना ऐसे ही तो फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी है। ये देखिए जी मोहम्मद हमाद भी आ रहा है, आ गया स्कूल से। वालेकुम अस्सलाम, सुबह मैं आपके पीछे पैसे लेके गई, आप भाग गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, पैसे लेके गई थी मैं, मेरा 10 रुपये लेके गया, मूड ख़राब है इसका, चलो मैं ना इसको और पैसे दे आऊँ, तो आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, मैं पीछे 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 पीछे, तो मैंने 2 आवाज़ें लगाई आपको, आपने इधर बैठे, मैं क्या हमाद हमाद, तूने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं भी मेरी मम्मा है या नहीं, मुझे आवाज़ें दे रही है, दरवाज़ा बंद करके आए। आपके पापा गाड़ी लेके गए हैं कानपुर, कानपुर गाड़ी लेके गए हैं, कहते मम्मा दामाद आएगा तो वीडियो बना ले, टीटिंग वगैरह सब कुछ करके वीडियो चढ़ा दे। ये खाद दोपहर का खाना खा रहे हैं, खाने लगी है, ये 5 बंदे और एक प्लेट सालन के सारा, देख ले कितना है। आज किसी बाबा इनके घर नहीं है तो किसी का मूड नहीं है खाने का, और मैं आ गया था मैंने नहीं खाना, मोहम्मद माल कहते मैंने नहीं खाना, कुनाल कहते मैंने नहीं खाना, तो बस मैंने खाना ला के रख दिया, कोई खाए ना खाए मेरा कम था पका के रख देना, मैंने रोटी भी बना दी है सालन भी बना दी है, अब ये कहीं खाए ना खाए इनकी मर्जी है। तो आपने क्यों नहीं खाना, अभी तो ये स्कूल से है गोश्त का देखा भी, खा के देखे चेक करें, मत आप खाओ बेटा, ये तो नफरे करता रहेगा, आप खाए और गोली का। आज वो मतलब माँ की तबीयत खराब है, कहते मुझे हल्की हल्की सर्दी लग रही है, आज इनका स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है, इनका टाइम है 8:30 बजे स्कूल लगे करेगा मोहम्मद आबाद का, और 2:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी, 2:30 तो फिर इनका टाइम टेबल नहीं चेंज हुआ, मोहम्मद आबाद का ये खाना खा के दो कोई गोली वगैरह खाएगा, टेबलेट खाएगा, और फिर कल को स्कूल जाएगा, सुबह छुट्टी है, इतवार है, संडे है, खाना खाना आ जाए, बच्चे तो नहीं खा रहे, फिर भाई आ जाए खा ले आके, रोटी बनाई है सालन बनाया है, दाल बहुत मजे की बनी है, खा के देख लो। देखिए आज मैं अकेला ही खाना खा रहा हूँ, ये बैठे, ये भी बैठा है, ये भी बैठी है, मैं गया होता गाड़ी लेके सवारी लेके गया होता कानपुर, सुबह से गया था 10 बजे, तो अभी 2:30 हो गया, अपनी पहली कमाई गाड़ी की कमाई में से मैंने 2 किलो ये बच्चों के लिए फ्रूट लिया मीठे इसमें, और ये टमाटर और मिर्चें पाओ, माशाल्लाह जी मेरी गाड़ी की पहली कमाई है ये, तो जिससे मैंने ये सामान खरीदा है, बाबा बच्चे माशाल्लाह पहले भी वो चीज़ बांटती थी ना बहुत तेज, बाबा ये सब मेरे मीठे, ये सब उनके, अच्छा तो आप सब के हैं, केले गले का नहीं है, तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा आज का दिन सवारी के साथ, बोरियत तो होती है तो जाके अकेले बैठना गाड़ी खड़ी करके, वो बाजार चले गए थे बच्चे थे दोस्त के, वो बाजार चले गए तो मैं उधर सड़क पे किनारे पे लगा के खड़ा रहा हूँ, 3 घंटे मैंने उधर वेट किया उनका, कब आते हैं, ये वेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कह रहे काम किया नहीं था, आज पहली बार मैंने किया, तो आज पता चला किसी का वेट करना, सवारी को बिठाना उधर, उधर वेट करना कितना मुश्किल है,
ये ट्रैवल वाला काम है ना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो जिस बहन भाई ने खाना खाना हो, आ जाए खाना खाए, आज आप टिका देने जी। तो मैं खाना खा रहा हूँ, आपने खाना खा लिया? क्यों तूने खा लिया? चले बाहर जाए, फिर मुझे खाने दे, मेरी तरफ ना देखो। चले निकले, ये बड़ा रेंट मेरा, ये हमारा है, हमने कहा बच्चों के लिए, हमने कहा बच्चों के लिए, हमारे को बांध के देगी, हमने कहा बच्चा लेकर बच्चों के लिए लेकर आए हैं, हमारी मामा बांध के देगी ना, सबको इधर ले जाओ। इसमें एक ग्रेड है वो मेरा, ग्रेड ग्रेड मेरा होगा जी, देखते हैं ये जब पकड़ते हैं जो है वहाँ पर देखेंगे, ये यही ग्रेड, यही है ये भी ग्रेट है जी, है ये ग्रेट होता है, नहीं आपके दोनों ग्रेट लीजिए, मेरा है ग्रेट। तो व्यूअर्स, मैं पहुंच चुका हूं किचन में, तो किचन में कौन है, हम आपको उससे मिलवाते हैं। टन टना टन, ये कौन है? ये है जी हमारी काम वाली आपी। आपी ये कापी धोना है आपने, तो बर्तन धो रही है जी आपी हमारी, मनाहिल आपी, क्या हाल है? ठीक। आप सलाम दुआ नहीं करती आजकल, खैर मूड खराब खराब है। कमेंट बंद है, अभी नमाज पढ़ के अभी नमाज पढ़ रही है, अभी अभी नमाज पढ़ रही है, तो मैं इधर बर्तन खिलार के बैठी हुई हूँ। आज कितने दिनों के बाद ये बर्तन धोने लगी है, वो देखिए काबू आई है हमारे, बड़ी मुश्किल से काबू आई। कैसे काबू आई है? दूध का कप दिया इसको। अच्छा, रिश्वत रिश्वत रिश्वत, फिर मैं क्या करूँ इसको, मैंने क्या करना इसको। वाह जी वाह, तो दूध का कप दिया तो इसने बर्तन धोने लगे, मैंने कहा तो मैं नमाज पढ़ लूँ, तो आप बर्तन धोने गए थे, मुझे चाय नहीं थी, मैंने कहा चाय नहीं अपनी पीनी, इसके नाक से खून निकला था आज, तो फिर मैंने इसको इसे दूध दिया। आपने इसको खोपरा गरी नहीं दी जो मैंने आपको बताया हुआ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं इसी चीज का एक और आपके साथ चुटका शेयर करता हूँ, खोपरे का, तो देखें जी सही है। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर किसी बच्चे के नाक में या बड़े के नाक से खून बहता हो, रुकता ना हो, बार बार खून आता हो, तो उसके लिए ना एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा, जो मैंने खुद पे अपने आप पे भी आजमाया है, अपने रेहान पे भी, और बहुत सारे बहन भाइयों को भी मैंने वो नुस्खा बताया। हाँ जी, आगे रेहान। वो नुस्खा ये है कि आपने एक पाव खोपरा गरी लेनी है, एक पाव खोपरा गरी पूरा नारियल वो लेना है, ठीक है, पंसार की दुकान से मिल जाता है, किराना स्टोर से भी मिल जाता है, वो लेके आपने उसके ना, अगर छोटा बच्चा है तो उसके ना आपने छह खुराकें बनानी है, एक पाव की छह खुराकें बनानी है आपने, अगर बड़ा है तो फिर आपने उसकी चार खुराकें बनानी है, थोड़ा आगे हो क्योंकि लैड, आप लैड के पीछे जाएंगे तो फिर तस्वीर सही नहीं आएगी, आपकी आंखें ना वो चमक रही है ज्यादा। अच्छा, तो आपने अगर बच्चा है तो छह खुराकें बनानी है एक पाव की, अगर अगर बड़ा है तो फिर आपने चार खुराकें बनानी है, तो उसको आपने करना क्या है, उसको ऐसे करना है कि आपने जो चार खुराकें बनानी है उसमें से एक खुराक आपने, आप जब घर में कोई दही जमाते हैं, दूध गर्म करके उसको जाग लगाते हैं, दही जमाते हैं ना, जिस वक्त आपने उस दूध में उसको डाल देना है, रात को सोते वक्त जब आपने जाग लगाई दूध को दही जमाने के लिए, उसी वक्त आपने वो खोपरा गरी भी उसके अंदर डाल देनी है, और सुबह उठ के दही में से वो निकाल के उसको कूटना है, कूंडी में उसको कद्दूकश नहीं करना, क्रश नहीं करना, उसको कूटना है, उसको कूट के उसके अंदर आपने शक्कर इस्तेमाल करनी है, हसबे जायका हसबे ज़रूरत, जितनी आप मिठास पसंद करते हो उतनी उसमें आपने शक्कर मिलानी है, और वो निहार खानी है, ये आपने चार दिन खानी है, बच्चे को छः दिन खिलानी है, बड़े को चार दिन खिलानी है, चार खुराकें होंगी उसकी, ज़िंदगी में दोबारा कभी भी आपके नाक से खून नहीं बहेगा, ये बड़ा आजमाया हुआ मेरा टोटका है जो मैंने आपसे आपके साथ शेयर किया है। मुझे भी खिलाया था, मेरे नाक से अभी तक खून ही निकला। हाँ जी, मेरे नाक पर किसी का सिर भी लग जाए तब भी नहीं निकलता। हाँ जी, हाँ इसको बहुत ही कारामद और बहुत ही परफेक्ट ये नुस्खा है ये जो मैंने आपको टोटका बताया, और ये तकरीबन हर घर की जरूरत है, तकरीबन 100 में से ना हर दूसरे घर में ये मसला है कि बच्चों को नाक से खून बहता है, जैसे कि अब ना जदीद दौर है, अंडे वगैरह बच्चे ज्यादा खाते हैं और चाय वगैरह भी पीते हैं, और चिकन गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है घरों में, तो इसलिए गर्मी की वजह से कोई ऐसा ना खून जो बहना शुरू हो जाता है,
तो ये जब खोपरा गिरी दही में डलती है तो ये ठंडी हो जाती है और इसकी तासीर जो है ना वो चेंज हो जाती है, तो आपने जरूर इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो आज का हमारा व्लॉग इतना ही है जी, इसी के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। काम वाली आप ही थोड़ी काम पर है।